नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, इस हाथ से रिलेटेड आज जो है महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम जो है फिंगर के एनालिसिस के बाद उस पर पाम का एनालाइज कर आपके सामने व्यक्त करूंगा। तो सर्वप्रथम जो है यहाँ पर इनके पर्सनैलिटी के विषय में बेसिकली जाँच पड़ताल करते हैं। तो सर्वप्रथम फिंगर की लेंथ जो है देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में हल्की सी जो है शॉर्ट है, जिसके कारण ऐसे लोगों में थोड़ा जो है एनालिटिकल पर्सनैलिटी की कमी पाई जाती है। थोड़ा जल्दबाजी या हड़बड़ी में जो है ऐसे लोग निर्णय लेने वाले होते हैं, परंतु काम निकलवाने में जो है माहिर होते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ जो है यहाँ पर थोड़ी जो है शॉर्ट है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक नहीं पहुँची है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल नॉर्मली ऐसे लोगों में वीक देखने को मिलता है। वहीं शायनेस और शर्मीलापन भी होता है अपोजिट सेक्स के प्रति, प्रॉपरली बात नहीं रख पाना, हिचकिचाहट और घबराहट होना स्ट्रेंजर से, साथ ही साथ थोड़ा सा केयरिंग पर्सनैलिटी में भी कमी आती है। केयरिंग पर्सनैलिटी यानी चीज़ों को संभाल के रखना या फिर याद जो है करके रखना, जैसे डॉक्यूमेंट्री फाइलिंग, इन सब में भी थोड़ा मेंटेन करने में भी इश्यूज जो है ऐसे लोगों को देखने को मिलते हैं। फर्स्ट फिंगर और थर्ड फिंगर की लेंथ तकरीबन जो है सेम है, जिसके कारण व्यक्ति में दोनों की क्वालिटीज समांतर तौर पर होती है। दोनों यानी ये जो है गुरु की क्वालिटीज यानी टीचिंग और लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है, साथ ही साथ सन की क्वालिटीज यानी क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, रॉयल्टी, ये सब जो है अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो ऐसे जो लोग हैं इज्जत सम्मान के भी बहुत प्यारे होते हैं, रॉयल्टी ऐसे लोग अपने लाइफ में अच्छा चाहते हैं, रिस्पेक्ट बहुत ऐसे लोगों को मिलने का योग बनता है। साथ ही साथ लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ जो है थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी जो है देखने को मिलते हैं। तो अब जो है यहाँ पर मैं आना चाहूँगा इनके सिरे यहाँ पर, तो फिंगर जो है हल्की सी यहाँ पर जो है नुकीली है, जिसके कारण ऐसे लोग दूसरों को जो है जल्दी भांप जाने वाले या दूसरों को जो है एनालाइज करने में जो है ऐसे लोग माहिर देखने को मिलते हैं। अब आते हैं यहाँ पर अंगूठे के क्षेत्र पर, तो अंगूठा का क्षेत्र अच्छा विकसित है और यहाँ पर जो फर्स्ट पर्व है और सेकंड पर्व है दोनों तकरीबन अच्छा लेंथ लिए हुए हैं। फर्स्ट पर्व जो अच्छा लेंथ लिया हुआ है, ये शो करता है व्यक्ति का डिज़ायर को, मतलब इच्छा शक्ति को, कि व्यक्ति में कितना इच्छा शक्ति है। तो इनमें जो है अच्छी खासी इच्छा शक्ति रहेगी, बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस जो है ऐसे लोग होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है सेकंड पर्व की भी लेंथ अच्छी है, जिसके कारण व्यक्ति लॉजिकल अच्छा होता है। वहीं दूसरों को जो है प्रॉपरली जो है गाइडलाइन देने वाले एवं समझाने वाले जो है बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। यानी मतलब जो भी ऐसे लोग अगर किसी को कुछ भी समझाना चाहें तो बहुत अच्छे से जो है समझा सकते हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन जो है बेसिकली गुरु से होता है और गुरु शो करता है व्यक्ति को समूह का नेतृत्व करना, लीडरशिप करना या फिर टीचिंग क्वालिटीज देना, इन सबसे कनेक्शन जो है होता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है यव का चिन्ह भी जो है बनते हुए देखने को मिलेगा, परंतु ओपन है, जिसके कारण बेसिकली तब भी ऐसे लोगों के पास नॉलेज बहुत अच्छा होता है, स्मार्ट होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे कि थोड़ा सा जो है यव का चिन्ह ओपन है, जिसके कारण मनी फ्लो जो है उसमें लीकेज जो है देखने को मिलता है। लीकेज यानी धन व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छा आता है, परंतु रुक नहीं पाता है, टिक नहीं पाता है, बच नहीं पाता है, किसी न किसी कारण से ऐसे लोगों के लाइफ में खर्च जो है ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और अब आते हैं यहाँ पर पाम के साइज़ में, तो पाम का साइज़ जो है प्रॉपर यहाँ पर जो है रेक्टेंगुलर शेप है, जिसके कारण व्यक्ति जो है बोल करके कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे लोग थोड़ा जो है कम मेहनत करना पसंद करते हैं और जितना इजीली वर्क हो जाए, ये सब थोड़े से सो बात की एक बात अगर कही जाए तो थोड़े से कम मेहनती ऐसे लोग जो है देखने को मिलते हैं। अब आते हैं यहाँ पर मैं बारी बारी कर एक एक पर्व यानी एक एक ग्रह के विषय में आपको जो है महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तो गुरु पर्व जो है अच्छा स्पेस ले रहा है और नॉर्मल है, ना ज़्यादा उभरा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है, और प्रॉपर यहाँ पर क्रॉस साइन बन रही है। तो ये बेसिकली मैरिड लाइफ को शो करता है कि कैसा रहेगा व्यक्ति का मैरिड लाइफ। तो गुरु पर्व भी अच्छा है और क्रॉस का साइन है, तो ये मैरिड लाइफ सक्सेसफुल शो करता है। साथ ही साथ बताता है कि सेटिस्फैक्शन स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी और जो आपके स्पाउस रहेंगे, जीवन साथी रहेंगे, उनके तरफ से आपको अच्छा सपोर्ट और बहुत ज़्यादा ही केयरिंग पर्सनैलिटी के वो रहेंगे, इसलिए कहीं ना कहीं डिज़ायर, इच्छा, मनोकामना सब जो है पूरी होगी और जीवन साथी जो है बेसिकली सर्वगुण संपन्न देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ जो है प्रोग्रेस लाइन भी निकली हुई है अच्छी अच्छी यहाँ पर, और माइंड लाइन से भी प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति जो है अपने थोड़े बहुत एफर्ट्स के कारण ही बहुत बिग अचीवमेंट्स अपने लाइफ में हासिल कर पाते हैं। इसी कारण से ये जो है प्रोग्रेस लाइन है जो व्यक्ति के प्रोग्रेस को शो करता है।
तो चलिए अब आते हैं यहाँ पर शनि पर्वत के विषय में। तो शनि पर्वत जो है यहाँ पर नॉर्मल है और यहाँ पर जो लक लाइन पहुँच रही है वो शुभ है। लक लाइन थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है लेकिन तब भी इसका लक लाइन होने इतना भी होना जो है शुभ होता है। और इसकी रुकावट है माइंड लाइन, तो कहीं ना कहीं अपने जी। तो अब जो है यहाँ पर आते हैं, तो ये जो है बेसिकली जब भी लक लाइन इस प्रकार से माइंड लाइन पर रुक जाता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने कारण ही अपना जो एक लक होता है उसको कमजोर कर देता है या रोक देता है। अब जैसे कि ये माइंड लाइन पे आकर रुकता है तो बेसिकली व्यक्ति का जो सोच होता है या जो बुद्धि होती है उसके कारण कहीं ना कहीं लक जो है हल्का सा कमजोर होता है। अब इसके पीछे का रीजन फाइंड करेंगे थोड़ा आगे चल के, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 35 से लेकर 37 तक जो एज था इनका, तब तक भाग्य का साथ ठीक था। उसके से बेसिकली ये आपके जो है प्रोफेशन को शो करता है, तो प्रोफेशन तब तक बहुत बेस्ट था। उसके बाद से प्रोफेशन की एंडिंग हुई है, हल्का सा दिन वापस स्टार्ट हुआ है और इस प्रकार से फिर रेखा जो है आगे जाके विभाजित हुई है। इस प्रकार से वी सिंबल भी बना हुआ है, तो वी सिंबल बनना यहाँ पर शनि पर्वत पर शुभ माना जाता है। प्रोफेशन रहे या ना रहे कोई मैटर नहीं है, लेकिन जो एक व्यक्ति के पास मनी रहता है वो तब भी कुल मिला के सुफिशियंट अमाउंट में जो है ऐसे लोगों के पास मनी देखने को मिलता है। सूर्य के क्षेत्र की चर्चा करें तो सूर्य का क्षेत्र ठीक है, उभरा हुआ है। इज्जत सम्मान एक जो रेपुटेशन होता है सोसाइटी में ऐसे लोगों का अच्छा देखने को मिलता है, रेखा हो या ना हो ये बात अलग है। और यहाँ पर जो है इस प्रकार से सूर्य रेखा के द्वारा जो है ट्रेंगल बन रहा है, तो कहीं ना कहीं खुद की प्रॉपर्टी बनने का योग फॉरेन में ऐसे लोगों का जो है बहुत ब्राइट होता है। तो यहाँ पर जो है हल्की सी लाइन लाइन भी जो है इस प्रकार से ऊपर की ओर उठ रही है, जिसके कारण थोड़ा जो है लेटर एज में आकर के इनको और ज़्यादा जो है फेम पॉपुलैरिटी मिलेगा बैठे बैठे। मरकरी माउंट यहाँ जो है कुल मिला के ठीक है। और यहाँ पर आते हैं अब इनके सीधे इनके हृदय रेखा के ऊपर। तो हृदय रेखा की जहाँ तक चर्चा की जाए तो हृदय रेखा का प्रारंभ जो है शनि पर्वत से प्रारंभ होते हुए इस प्रकार से आगे तक जा रहा है। इसमें अच्छी बात ये देखने को मिली कि ये रेखा जो है ऊपर की ओर उभरा हुआ है, जिसके कारण थोड़ा जो है व्यक्ति के अंदर इमोशंस जो है बेसिकली ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा भावुक है, इमोशनल है ऐसा नहीं है, लेकिन इमोशंस जो है ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसे जो लोग हैं दूसरों के इमोशंस को अच्छे से समझ लेने वाले होते हैं, और कुल मिला के जो है इनकी अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग बहुत कम लोगों के साथ होती है, परंतु जिन जिन के साथ होती है बहुत बेहतरीन देखने को मिलती है। हृदय रेखा में जहाँ तक चर्चा की है तो एक हल्का सा यहाँ पर जो है एक हल्का सा द्वीप बनते हुए देखने को मिल रहा है। ये जो एज है ये तकरीबन 55+ है, उसके बाद से हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज रहेगा, तो ये जो है आपको थोड़ा जो है उस टाइम पे ध्यान रखना जो है ज़्यादा पड़ेगा। माइंड लाइन पर आते हैं तो यहाँ पर देख पाएंगे कि माइंड लाइन का फ्लो जो है मतलब यहाँ पर जो है, तो ये जो है गुरु यानी जुपिटर से स्टार्ट होते हुए इस प्रकार से जा रहा है। जुपिटर से जब भी किसी का माइंड लाइन स्टार्ट होता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस होते हैं, बहुत बड़ी बड़े ऐसे लोगों के डिज़ायर या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही शौकीन किस्म के भी होते हैं, और बेसिकली एम्बिशियस बहुत ज़्यादा होते हैं। जल्दी किसी भी मामले में सेटलमेंट जो है ऐसे लोगों का नहीं हो पाता। जो ख्वाहिशें होती है बहुत बड़ी होती हैं और उसको पूरा करने में ऐसे लोग मेहनत भी करते हैं। एक चीज़ बताना यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हल्की हल्की जो रेखा यहाँ पर नीचे की ओर आ रही है ये इमोशनल सेटबैक की निशानी है, जो शो करती है कि अपनों से धोखा मिलना एवं जो दिल पर जो चोट लगता है या फिर किसी दर्द से उभरते हैं उसका योग जो है देखने को मिल रहा है। और हल्की सी रेखा जो है यहाँ पर नीचे की ओर भी जा रही है, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग लाइफ में एग्रेशन था लेकिन अभी फिलहाल ज़्यादा नहीं है। माइंड लाइन में भी एक हल्का सा द्वीप बना हुआ है जो बेसिकली इनको 20s के एज में और 30s के एज के स्टार्टिंग तक थोड़ा कुछ ना कुछ मानसिक तनाव एवं इश्यूज रहे हैं, और उसके बाद से माइंड लाइन का फ्लो तब भी जो है इतना कुछ ठीक नहीं हुआ है, और हल्की हल्की रेखाएं जो है नीचे की ओर भी जा रही है, तो थोड़ा मानसिक तनाव एवं कष्ट रहा है तकरीबन 30s के एज में भी। और माइंड लाइन जो है यहाँ पर इस प्रकार से लाइफ लाइन से डिस्टेंस बनाते हुए जा रही है, तो थोड़ा जो है ऐसे लोगों में जिद्दीपन ज़्यादा देखने को मिलता है, वही इंडिपेंडेंट अप्रोच ज़्यादा रखने वाले होते हैं, मतलब स्वतंत्र जीना खुले में जीना ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद है। किसी के दबाव में एवं अंडर में रहना ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं भाता, और कोई इनके ऊपर जैसे लीडरशिप गिरी झाड़े बॉस गिरी झाड़े तो ये सब भी पसंद नहीं है।
अपने मन के मालिक वो मनमौजी किस्म के ऐसे जो लोग हैं देखने को मिलते हैं। अदरवाइज माइंड लाइन देखें तो लॉन्ग है, शार्प माइंड है, और ऐसे जो चीज़ें हैं मतलब ऐसे जो लोग हैं चीज़ों को बहुत जल्दी कैच कर लेने वाले एवं समझ लेने वाले होते हैं। तो माइंड लाइन बहुत, तो अब जो है यहाँ पर हम आते हैं यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर। तो लाइफ लाइन में भी जो है तकरीबन स्टार्टिंग लाइफ से लेकर के तकरीबन 23-24 एज के आसपास तक ट्रबल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बहुत छोटे छोटे बहुत माइनर से भी ग्रिप बने हुए हैं। तो ये बेसिकली आर्थिक कष्ट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट या फिर ट्रबल के जो है साइंस को शो करता है। उसके बाद से जो है लाइफ में जो है एक स्मूथ लाइफ जो है प्रारंभ हुई है सपोर्ट के कारण। तो बेसिकली मैरिज के बाद जो है सक्सेस मिलना या फिर एक जो सेटिस्फेक्शन होता है, स्टेबिलिटी मिलना, वो सब प्रारंभ हुआ है, और इस प्रकार से आपकी जो लाइफ लाइन है इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। इसके विषय में डिटेल में यहाँ पर चर्चा किया जाए तो तकरीबन 68 एज के समथिंग में आकर के 70 मान लीजिए, इस एज में आके थोड़ा जो है लाइफ में चेंजेस होते हुए दिख रहा है। कोई इस समय जो बीमारी जो रहेगा, जो बीमारी है अगर यहाँ से निकल गए तो उम्र जो है बहुत बेहतरीन है, और थोड़ा जो है इसी एज में आकर के ट्रबल जो है ज़्यादा अब देखने को मिल रहा है। बाकी 70 के एज तक आते आते कोई ज़्यादा भी प्रॉब्लम नहीं है। एक राहु लाइन है जो लक लाइन को भी इस प्रकार से काट रही है, थोड़ा इस प्रकार की रेखाएं जो है फ्यूचर ओरिएंटेड टेंशन जो है ज़्यादा दे देती हैं। तो ये जो है तकरीबन आपको 45 एज के आसपास में जो है ज़्यादा आपको मैं कह सकता हूँ कि टेंशन आएगा, और साथ ही साथ थोड़ा जो है हेल्थ रिलेटेड अप्स एंड डाउन्स आएंगे। लेकिन बेनिफिट बात यह है कि लाइफ लाइन का फ्लो इसमें अच्छा है, साथ ही साथ सपोर्ट जो चल रहा है ये आपके स्पाउस का जो सपोर्ट है, जिसके कारण आप हर कष्ट और दिक्कत परेशानी से आसानी से जो है निकल जाने वाले रहेंगे, कोई बिग ट्रबल नहीं है। तो स्पाउस का सपोर्ट मतलब जीवन साथी का सपोर्ट अच्छा है, एंड तक रहेगा बेहतरीन तरीके से, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है बेसिकली आपके मंगल के क्षेत्र की चर्चा की जाए तो अंदरूनी मंगल जो है कुल मिला के ठीक है, उभरा हुआ है, लेकिन थोड़ा जो है फिजिकली अनफिट जो है थोड़ा देखने को मिलता है, क्योंकि एरिया जो है कम यहाँ पर लिया हुआ है, और इस प्रकार के योग बनना प्रॉपर्टी बनने के योगों को व्यक्त करता है। साथ ही साथ शुक्र पर्वत भी कुल मिला के नॉर्मल है, ना ज़्यादा उभरा हुआ है ना ज़्यादा जो है दबा हुआ है, तब भी थोड़े जो है खर्चे ज़्यादा होते हैं लग्जरीज एवं सुख सुविधा के साधनों में, जो कि आपके पास जो है पर्याप्त मात्रा में रहने वाला रहेगा। केतु के ऊपर इस प्रकार की जो है मछली का आकार बनना शुभ होता है, छोटी छोटी यात्राओं से भी बहुत अत्यधिक लाभ मिलता है, और फॉरेन ट्रेवलिंग के साथ साथ फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस भी बहुत ब्राइट बनते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अब आते हैं हम आपके चंद्र के क्षेत्र पे, तो चंद्र का क्षेत्र भी उभरा हुआ है, जिसके कारण एक जो मन में जो शांति होती है वो प्रॉपरली आपको जो है रहने वाला रहेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड आपका जो है रहेगा। और बाकी हल्की हल्की कुछ रेखाएं हैं जो इस प्रकार से जा रही हैं, ये बिजनेस लक लाइन होती है, बिजनेस लक को शो करती है। माइंड लाइन से भी कुछ रेखाएं निकली हैं जो बिजनेस माइंडेड होने का शो मतलब एक जो है इंडिकेशन शो करती है कि बिजनेस में आपका माइंड जो है अच्छा चल सकता है, अगर आप करियर वापस से स्टार्ट करना चाहें तो। अदरवाइज मनी ट्रायंगल यहाँ पर बेसिकली है ही नहीं, ओपन है, जिसके कारण, और यहाँ पर भी जो है यव का चिन्ह ओपन था, जिसके कारण धन जो है बेसिकली आपके पास रुक नहीं पाएगा, खर्चे जो है ज़्यादा रह सकते हैं, या फिर कहीं किसी न किसी कारण से धन जो है आपके पास से जाएगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें इस हाथ से रिलेटेड। इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन भी है जो अलग अलग एजेस में आपको आएंगी, अदरवाइज देखा जाए तो कुछ जो है बिग ट्रबल या इशू जो है नहीं है। अदरवाइज कुछ जो है मेजर सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा तो सिर्फ यहाँ पर सैटर्न माउंट के लिए मतलब शनि के लिए, ताकि आपका लक जो है और ज़्यादा इम्प्रूव हो, जनरेट हो, और जो आपकी डिज़ायर इच्छा मनोकामना सब आसानी से जो है उसके बाद जो है फुलफिल होते रहें। और कोई अगर आपका प्रश्न रह गया हो तो ज़रूर पूछें, तब तक आपका बहुत